हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम मनी प्लांट की केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हमें अपने मनी प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए जिससे कि हमारे मनी प्लांट की पत्तियां बड़ी बड़ी और चमकीली हो जाए। तो देखिए, ये मेरे मनी प्लांट है, इसकी पत्तियों का साइज़ कितना बड़ा है देखिए, और इस पत्तियाँ काफ़ी चमकीली भी हैं। तो देखिए, मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। इसकी पत्तियों का साइज देखिए, मेरे हाथ से भी बड़ा है और इसकी पत्तियां काफ़ी चमकीली हैं। दूर से देखने पर ये मनी प्लांट और इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, काफ़ी ज़्यादा हरियाली लगती है पूरे पॉट में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी केयर टिप्स के बारे में। तो सबसे पहला टिप्स है, इसकी मिट्टी को हमने चेक करना है। जैसे बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इसकी जो मिट्टी होती है, ज़्यादा पानी से इसकी मिट्टी हार्ड हो जाती है। तो हमारे प्लांट की मिट्टी हार्ड नहीं होनी चाहिए, इसको हमने सॉफ्ट बनाना है। अगर हार्ड मिट्टी है तो हमें इसकी सॉफ्ट गुडाई करनी है, और जो इसके अंदर घास फूस या इसकी कोई भी, कई बार पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, वो सारे निकाल देनी है। पत्तियाँ पीली नहीं होनी चाहिए और हमारे गमले में घास भी नहीं होना चाहिए, मिट्टी इसकी सॉफ्ट होनी चाहिए। अगला काम करना है हमें इसकी लोकेशन का, कि हमें अपने मनी प्लांट को कौन सी जगह पे रखना चाहिए। हमें अपने मनी प्लांट को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ कि इसको हल्की धूप भी मिले और हवा भी मिले। अगर आपने इसको इंडोर रखा हुआ है तो इसको खिड़की के पास रखें जहाँ कि इसको हल्की धूप और हवा मिलती रहे। अगर बाहर रख रहे हैं तो इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ इसको तेज़ धूप ना मिले। नेक्स्ट काम करना है इसके ऊपर हमें, कि जब भी बारिश लगती है तो बारिश के टाइम पे आपने अपने मनी प्लांट को बाहर रखना है। मनी प्लांट बारिश को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, बारिश का पानी इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट ध्यान रखना है आपने इसकी एरियल रूट्स का। जो एरियल रूट्स होती है उन्हीं से मनी प्लांट अपना खाना तैयार करता है, तो इसकी एरियल रूट का विशेष ध्यान रखना है कि वो टूटे ना। एरियल रूट जो नोड एरिया के पास से निकलती है और ये हवा में जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करती है, ये मनी प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट जो काम करेंगे हम वो है इसका फर्टिलाइज़र। तो ये है इसका फर्टिलाइज़र जो इसमें मैं आज डालने जा रही हूँ, ये है गाय के गोबर की पुरानी खाद। तो इसको हमें अपने प्लांट में इस तरह से डालना है, प्लांट के चारों साइड में। ये देखिए, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालें तो जो खाद आप डालने जा रहे हैं, गाय के गोबर की पुरानी खाद, वो एक साल भर पुरानी हो और भुरभुरी होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है इसके वाटरिंग की। तो हमें अपने मनी प्लांट में इन दिनों ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। पानी प्लांट में तभी देना है जब इसकी मिट्टी सूखी हो, क्योंकि आजकल के मौसम में हवा में मॉइस्चर होता है, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मनी प्लांट के पौधे की अगर आपने कटिंग लगानी हो तो कटिंग तो इसकी पत्ते से भी चल पड़ती है, लेकिन पत्ते के साथ एक नोड एरिया भी इसमें होना चाहिए। अगर आप मनी प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो मनी प्लांट की कटिंग के लिए आपको, जैसे यहाँ पर यहाँ से पत्ती निकली हुई है, ये पत्ती है पीछे जैसे से, यहाँ जैसे से इसकी कटिंग निकालनी है। और जब भी आप इसको लगाएंगे तो ये जो यहाँ से नोड एरिया है, यहीं से कट इसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप सिंपल पत्ती लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए जब भी इसकी कटिंग चाहिए, कटिंग के लिए जैसे नोड एरिया है यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे है, ये नोड एरिया होना बहुत ज़रूरी है, यहीं से इसमें नई ग्रोथ शुरू होगी। तो आप भी अपने घर में मनी प्लांट लगाइए और इन टिप्स को फॉलो कीजिए। मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए उसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र डालिए और शेडी एरिया में अपने मनी प्लांट को रख दीजिए। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हर घर में होता है, और इसकी जो खूबसूरती है और इसकी पत्तियों की वजह से ही होती है। तो इसको अपने घर में ज़रूर लगाइए और अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए, शेडी एरिया में रखिए।